हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी बैंक प्रो। दिस इज राजकुमार सैनी। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए, क्या वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है? क्या वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है? कमेंट फास्ट। यस, एक मिनट। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बताइए सचिन जी, क्या क्वेश्चन है आपका? एक मिनट रुकिए। बताइए क्या क्वेश्चन है बच्चे? यस, बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके, चलिए तो स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। बिल्कुल अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो सो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि एवरी संडे अपना ये, चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। उससे पहले क्या क्वेश्चन है? क्लियर है सभी? चलिए ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। ऑल राइट, सो सबसे पहले ध्यान दीजिए एक बार, ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं कल से, 17th of March से। बैच फर्स्ट एक्सीलेटर बैच है SBI क्लर्क 2021। ओके, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा बैच सेट बैच हो गया, रन विजय सेट बैच। तीसरा आपका टारगेट SBI PO बैच हो गया। चौथा आपका टारगेट IBPS PO बैच हो गया। फाउंडेशन बैच फॉर ऑल SBI एग्जाम्स, टारगेट बैच कन्नड़ भाषा में, और ये सारे बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अगर आप प्लस यूजर्स हैं तो आप सबके लिए फ्री, अगर आप प्लस यूजर्स नहीं है तो आप रेफरल कोड में राज सैनी एस यूज में ले सकते हो। राज, रुकिए एक बार मैं लिख देता हूँ, एक मिनट वेट कीजिएगा, वेट कीजिए, थोड़ा प्रॉब्लम है, एक बार। ओके, तो आपको क्या यूज में लेना है? आपको यूज में लेना है राज एस लाइव। ओके, सेशन की शुरुआत करेंगे। एंड वन मोर थिंग, कल से आपका सेशन स्टार्ट है। मैं बता दूं, कल से आप लोगों के लिए कंप्लीट क्वांट यस RJ10 यूज में ले सकते हो, बिल्कुल विदाउट कैपिट, विदाउट स्पेस, कैपिटल लेटर में RJ10। ओके, एंड वन मोर थिंग, जो भी बच्चा हर संडे एग्जाम देना चाहता है, ये स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है एवरी संडे। ओके, स्कॉलरशिप का होता है जिसमें आपको 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें हर संडे सुबह 10 बजे होता है, ये सबके लिए फ्री है, चाहे आप प्लस यूजर्स हैं या नहीं है। क्लियर है? तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं। एनरोल करने के लिए आपसे अनलॉक कोड मांगे तो आप RJ10 यूज में ले सकते हैं। RJ10 कैपिटल लेटर में, गैप देना नहीं है, विदाउट एनी स्पेस। ऑल राइट, एंड कल रात का जो लाइव इंटरव्यू था उस बच्चे के साथ, आई होप सभी ने इंजॉय किया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। एंड ये आपके सामने क्या नाम है, सब्सक्रिप्शन के प्लान है, आपके अपने अकॉर्डिंग यूज में ले सकते हो। कैश जितने मंथ का आपको चाहिए उस मंथ के हिसाब से आप यूज ले सकते हो। ओके, एक मिनट। यस, कोड में आप RJ10 यूज में ले लीजिएगा, कैपिटल लेटर में RJ10, कैपिटल लेटर में RJ10। चलिए स्टार्ट करेंगे अब सेशन की। ओके, सो जैसा कि आप सभी को पता है, और कल से अपना बैच भी स्टार्ट है भाई, आप लोगों को बता दूं मैं, कल से अपना बैच स्टार्ट है 16th March से, कल से अपना बैच स्टार्ट है। ओके, तो इसको एनरोल कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस बैच में आपको कंप्लीट 2021 के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी को आपको टारगेट किया जाएगा, उन सभी के लिए। ओके, ना समझ आया तो सर ही। ओके, ठीक है, तो SBI IBPS सभी एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए कल से ये सभी एनरोल कर लेना। जो प्लस पे नहीं है वो पहले प्लस ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद हैव ए रेफरल कोड में, आपको यहाँ पे रेफरल कोड में कोड यूज में लेना है। राज एस लाइव यूज में ले सकते हो या RJ10 यूज में ले सकते हो। रिडम पे क्लिक करके आप और अमाउंट कम कर सकते हो अपना। ठीक है, चलिए तो अब इस सेशन की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे देखो रेफरल कोड नीचे नीचे आता है, नीचे नीचे, यहाँ पे आप कोड यूज में ले सकते हो। ठीक है, राज एस लाइव डिपेंड आप पे करता है, दो कोड है अपने, दो कोड है बच्चे। चाहे आप RJ10 यूज में लो कैपिटल लेटर में,
या फिर आप राज एस लाइव भी यूज में ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, कैपिटल लेटर में कोई गैप देना नहीं है। चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। चलिए अब मैं आप लोगों को पहले अपना नेक्स्ट 45 डेज का प्रोग्राम बता देता हूँ, आई मीन टू सी शेड्यूल बता देता हूँ, क्या करेंगे हम क्या नहीं। तो जैसा मैंने आप सभी से वादा किया था कि क्वांट आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर होगा उसके बारे में ध्यान दीजिए। कल अपना चैप्टर होगा परसेंटेज, ओके। कल अपना चैप्टर जो होगा वो होगा परसेंटेज। सो परसेंटेज की टोटल मैं करूँगा 5 से 6 क्लासेस, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। नेक्स्ट 45 डेज हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे, अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे। यस सर बता दो क्या हो गया बच्चे, क्या हो गया बच्चे, एक बार वेट कीजिए एक बार। ओके चलिए क्लियर है सभी को, ये बात सबको समझ में आ गई। पहले परसेंटेज का चैप्टर करेंगे, उसके बाद में ही हम आगे प्रॉफिट लॉस, फिर टाइम एंड वर्क सारे चैप्टर करेंगे, अर्थमेटिक को कंप्लीट करेंगे, फिर डीआई को करेंगे। रेगुलर क्लास का टाइमिंग अपना 6 PM रहेगा, आप सभी को मैं बता दूं 6 PM अपनी क्लास का टाइमिंग रहेगा। ऑलराइट क्लियर है सभी को, ओके ओके। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, वेर इज द कैलकुलेशन, क्या बात सबको सबको समझ में आ गई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ, टू डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आप सभी को ट्रिक बताई दी है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी नंबर दे दूँ आपको पर्टिकुलर, आप नंबर उठा लीजिए 2129, आप कहोगे कि सर इसको मल्टीप्लाई करना है, एक बार ये बता दीजिए कलर चेंज करना है, इंक का कलर ब्लैक कर लेते हैं। मैं कहूँ आप लोगों को 2129 से आपको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, सिंपल सा। देखो ये चीज़ें याद रखो, रेगुलर 10-15 मिनट ट्रिक से बात नहीं बनेगी, आपको रेगुलर इन चीज़ों को यूज भी लेना पड़ेगा। ट्रिक ही नहीं है कि ट्रिक सिखा दी बस वहीं काफ़ी है, नहीं इतना काफ़ी नहीं है, उसको यूज में भी लो, यूज में भी लो। कैसे, सिंपल सा मैंने बता रखा है इन दोनों को आपस में। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप आपका है डिजिट, डिजिट जो है ना आपकी जो यूनिट डिजिट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, कितने आएंगे, कितने आएंगे बच्चे, 9 आएगा, लेकिन हमेशा 2 डिजिट में लिखना है 09। यस अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो 9 2 जा 18 और 2 2 जा 1, तो 18 और आपस में जोड़ दो, आपस में जोड़ दो, तो 9 2 जा 18 और 2 20, कितने आ गए बोलो बोलो, 20 आ गए। नहीं सर इसमें डिजिट एक ही यूज में आएगा, मैंने बोला था ना तुम लोग भूल गए, याद करो ये वो वाला नहीं है जिसमें 2 डिजिट यूज में लेना है, इसमें सिर्फ सिंगल डिजिट ही यूज में लेना है। यस तो 20 का कितना यूज में आएगा, 0। यस कैरी कितनी आ गई, 2। सर फिर इसको लास्ट में आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 और 2 6। स्टेप समझा देता हूँ एक बार आप लोगों को, इसको फॉर्मूले के थ्रू समझा देता हूँ, फॉर्मूले के थ्रू समझा देता हूँ। यस सिंगल डिजिट ही लेंगे, जैसा मैंने आप सभी को बताया था सिंगल डिजिट ही लेंगे, क्लियर है। एक बार इसको फॉर्मूले के थ्रू समझा देता हूँ, समझना। मैं ये मान लेता हूँ 21 जो वो ए है और ये बी है, ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई करना आपको। यस ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, स्टेप 1, ध्यान से समझ लेना स्टेप 1। कई बच्चों ने कहा कि सर एक बार वापस से बता देना, स्टेप 1 है आपका बी और डी आपस में मल्टीप्लाई, बी इंटू डी। यस स्टेप 2 आपका क्या है, स्टेप 2 आपका क्या है बच्चे, ए इंटू डी प्लस सी इंटू बी। यस और स्टेप 3 क्या है आपका, स्टेप 3 है आपका ए इंटू सी, बस दैट्स इट, इतना ही है, इतना ही करना है, इतना ही करना है। रिपीट मैंने मोनिका जी वहीं तो रिपीट किया, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने आप लोगों को बोला कि कुछ भी मान लो, चलो मैं कह दूँ आप लोगों को कोई भी नंबर मान लो, 52 को 58 से करना है, 52 को 58 से करना है, दिख नहीं रहा सर, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, फोटो की वजह से दिख नहीं रहा क्या उधर, अच्छा उधर दिख नहीं रहा, सॉरी 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 मैंने ध्यान ही नहीं दिया, कोई बात नहीं, 52 को 58 से करो, 52 को 58 चीजें हैं, जरा चेक करो, क्या मैंने एक चीज बताई थी क्या कि सर अगर लेफ्ट साइड की डिजिट सेम होती है और राइट साइड की डिजिट जो होती है उसका सम 10 होता है, उनके डिजिट का सम 10 है क्या, क्या इनके इनका सम 10 है क्या, यस और नो, तो कुछ नहीं करना, 8 2 जा 16 और इसको अपने नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जा 30, याद है क्या, क्या मैंने बताई थी ये ट्रिक, क्या ये ट्रिक मैंने बताई थी, याद है, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे भूल गए, याद करो। तो यही चीज अब तुम लोग सोच रहे होंगे सर कि एक ही ट्रिक याद, नहीं आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, कोचिंग क्लासेस के बाद मिनिमम कितने टाइम देना है बता दो सर प्लीज। बच्चे सचिन जी ये चीजें ऐसा नहीं होता है कि आप लोग कोचिंग टाइम के बाद, एक बात बताओ कोचिंग कर रहे हो,
क्लासेस कर रहे हो, उसके बाद में आपका टारगेट ये होना चाहिए, आज मैंने जो पढ़ा उसको रिपीट करना, प्लस उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। अब उसके लिए चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 8 घंटे लगे, चाहे 6 घंटे लगे, ये अपना टारगेट रखो। ऐसा नहीं है कि मेरे कोचिंग के बाद 1 घंटे बस, मेरे को 1 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे सेल्फ स्टडी करना, ये नहीं रखो, ये बिल्कुल मत रखो। सिंपल सी बात याद रखो, रेगुलर टॉपिक उठाइए कि मेरे को इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। ऐसा नहीं है कि बस चल रहे हो कि हाँ 1 घंटा फिक्स कर लिया, 1 घंटे का ये टाइम टेबल बांध लिया कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बढ़िया आगे, क्या सबको क्लियर है बात? यस, बढ़िया आगे, यस और नो? चलिए तो सर ये 52-58 वाला फिर से बता दीजिए। ओके, देखिए 52 और 58 वाला फिर से देख लीजिए। मैंने एक बात बोली थी क्या आप लोगों को, मैंने क्या बोला था याद है क्या तुम लोगों को, कि सर अगर लेफ्ट साइड, बच्चे लेफ्ट कौन सी होती है, ये होती है लेफ्ट और ये होती है राइट, अगर लेफ्ट साइड की डिजिट, लेफ्ट साइड की डिजिट जो है अगर वो सेम है, ध्यान से समझना, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो सेम है और राइट साइड वाली डिजिट जिनका डिजिट सम 10 है, तो कुछ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले लो आपकी 6, मैं कह दूं कि सर 6169, आपको मैं कहूं कि सर 6169, ये लो मैंने कहा 6169, जरा चेक करो क्या लेफ्ट साइड की डिजिट सेम है क्या, चेक करो यस और नो, और राइट साइड वाली का सम 10 है क्या। कुछ नहीं करना, जस्ट क्या करना है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ गए सर, 9 1 9, यस, और सर इसको अपने नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बोला मैंने, इसको अपने नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इसमें शर्त यह है कि डिजिट आपको 2 में लेनी है, 9 1 9, लेकिन इसको 09 लिखेंगे, और 6 7 42, यही आपके आंसर है। आ गया समझ में, क्लियर हो गया? ये बात सबको क्लियर है, यस और नो? अब आ गया समझ में, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? सिंपल, कोई भी मान लो 73 77 मान लो, 73 7 मान लो, क्या करना है सर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 7 3 3 3 0 9, और इसको किससे, अपने नेक्स्ट से, 7 का अगला कौन आता है, 8 आता है, तो 7 को 8 से करना है, ये लो 56। आई होप सब समझ में आ गया होगा, क्या सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, कोई भी नंबर ले लीजिए। अच्छा सर ये तो बात हो गई इसकी, और अगर सर अगर हमारे नंबर ऐसे हों जिनको मल्टीप्लाई, जिनकी सम और हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब जो बिल्कुल डिफरेंट हो, जो बिल्कुल डिफरेंट हो, जैसा मैंने बताया अभी कोई भी नंबर उठा लीजिए जो बिल्कुल डिफरेंट हो, जो जो बिल्कुल डिफरेंट वाले की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट वाले की, बिल्कुल डिफरेंट वाले की बात कर रहा हूँ, कोई भी नंबर, मैंने कहा 83 45, 83 को 45 से कर दो, क्या इसमें किसी का सम योग नहीं सर, सेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आगे बात समझ में, आंसर दो, बोलो आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी आंसर दो, 83 45, फटाफट आंसर दो, क्या आंसर आएगा, क्या बोल रहे हैं, 10 लास्ट में नहीं है, 10 लास्ट में नहीं है, चेक करो बच्चे कहां पे मिस्टेक कर रहे हो आप, आंसर दो आंसर, फटाफट फटाफट आंसर दो, 3735, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही है। देखो क्या करना है, ये वाले सर इसमें तो वो रूल नहीं लगेगा जो आपने बताया कि सर सेम नंबर हो, सेम डिजिट हो, वो वाला रूल नहीं लग रहा इसमें, तो इसमें क्या करना है, जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दो ट्रिक बताई है मैंने, ट्रिक देखो देखो दो ट्रिक बताई है मैंने, ट्रिक वन क्या है बच्चे, ट्रिक वन मैंने बताई आपको कि सर वेन सेम नंबर, जब सेम नंबर हो, यानी आपको मैं कह दूं कि यूनिट डिजिट मान लीजिए 10th डिजिट सेम हो, यूनिट डिजिट सेम हो तो भी आप कर सकते हो, और सेम हो, लेकिन आप एक काम कीजिए, देखो मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ, इन ट्रिक्स को ना आप उलझिए मत, सिर्फ एक ट्रिक याद रख लीजिए, बस एक ट्रिक याद रख लीजिए, डेट सिट, एक ट्रिक याद रख लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रिक से ना तुम लोग कंफ्यूज हो गए, क्या करना है सिंगल एक ट्रिक याद कर लो बस, 83 को आपको 45 से, चाहे आपका सेम हो चाहे आपके कुछ भी आओगे, मान लो 54 को क्या नाम है 56 से करना है, तो आप कहोगे सर सेम नंबर है और इधर ये इनका सम 10 है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, यही एक सिंगल यूनिवर्सल ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ बस वही यूज में लेना है, और फालतू में तुम लोग कंफ्यूज हो गए तो इससे बेटर यही है कि कंफ्यूज ना हो, ठीक है? देखो
देखो ध्यान से देखना, याद रखना बस इसका एक सीधा सा फंडा याद रखो, पहले तो यूनिट डिजिट उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 5 3 15, 5 3 15, तो 15 का 5 पैसा कैसा, 1 इसकी कैरी, 1 इसकी कैरी, यस 1 इसकी कैरी। अब आपको करना क्या है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो, 8 5 40, 4 3 12, तो 40 और 12 52, 52 और 1 कैरी थी हमारे पास तो 53, 53 का 3 हमने यूज में लिया और 5 कैरी हमारे पास आ गई। अब इस लास्ट वाले की इस 10th वाली डिजिट को इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यस 8 4 32 32 32 और 5 37, बात समझ में आ गई, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ये यूनिवर्सल है इसी को याद रखो, एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे तुम लोग डाउट्स में आते हो, तो उससे बेटर यही है कि यूनिवर्सल ट्रिक है इसको याद रखो बस, डेट्स इट, क्लियर है सभी को, यस। चलो कुछ मैं कुछ नंबर देता हूँ आपको, कोई भी नंबर मान लीजिए, मैं कोई भी नंबर देता हूँ आपको, 93 13, कोई भी नंबर मान लीजिए, मैं आपको नंबर दूँ 84 24, कोई भी नंबर मान लो 0 से 99 तक के, अभी हम 2 डिजिट वाला ही कर रहे हैं अभी, ओके यस, कोई भी नंबर मान लो 2, इन दोनों के आंसर दो जल्दी से सर, 3 डिजिट का ही बता रहे हैं, बिल्कुल 3 डिजिट का भी बता रहे हैं, डोंट वरी 3 डिजिट का ही बता रहे हैं, पर रुकना, ओके सो आ गया सबको समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखो गौर करो क्या बोला मैंने, ध्यान से समझना, सिंपल सा 3 3 9, यस। तो अब इस 9 को मैं क्या लिखूंगा सर, 2 डिजिट में लिखना है, यस कमेंट करो जल्दी फटाफट, यस और नो, लिख दूं सर 9 लिखोगे, यहाँ पे 2 डिजिट का खेल नहीं है, बोलो। अब एक बात बताओ, 9 3 18, 18 और 3 21, 18 और 3 21, यस और नो, हुए क्या 21, कमेंट करो, सॉरी 27 और 3 30 हो गए ना, 27 और 3 30 30 का 0 यूज में ले लूं और 3 कैरी, और सर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 9 का 9 और 3 12, आ गए आंसर, क्या बोल रहे हो, क्लियर है सभी को, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, यस और नो कमेंट कर दीजिए, क्या सभी को समझ में आ गया, कोई भी नंबर ले लीजिए आपकी इच्छा है कोई भी, क्या मैं ये मान के चलो 0 से लेके 99 तक के में किसी को डाउट नहीं आएगा, कमेंट कर दीजिए फटाफट यस और नो, 0 से 99 तक के में कोई भी नंबर दे दीजिए आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, यस एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए अगर इस बात से, यस थम्स अप कर दो फटाफट, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अगला वाला, अगले वाले को चेक कर लो, 4 4 16, 16 का 6 आ गया 1 कैरी, 8 4 32 32 और 8 10
सॉरी 40, 40 और 1, 41, 4 कैरी, 8 टू जा 16 और 4, 20। आगे बात समझ में, 1260, यस। क्या सभी को क्लियर है बात? बच्चे याद रखना, कल से अपनी सीरीज स्टार्ट है, याद रखना क्या बोला मैंने, कल से आप लोगों के लिए, कल से आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा, कल से आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट है। कौन सी? 45 डे अर्थमेटिक सीरीज। कल आपका चैप्टर कौन सा है? परसेंटेज। कल आपका चैप्टर क्या है? परसेंटेज। याद रखना, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, याद रखना, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से याद रखिएगा। क्या कह रहे हो? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हो? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है, सब तैयार है। रेगुलर क्लास का टाइमिंग मैंने बता दिया, 6 PM, 6 PM अपनी रेगुलर क्लास का टाइम रहेगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे चलते हैं। बड़ी, कोई बड़ी संख्या, बड़ी संख्या ले लूँ, कोई तीन डिजिट वाली, तीन डिजिट वाली ले लूँ, यस तीन डिजिट वाली ले लूँ। चलिए तो तीन डिजिट वाली गौर कीजिएगा, इधर देखो, जो 100 के नियर बाई है ना, उस पर ध्यान दीजिएगा। 106 को मैंने 103 से करना है, बस मेरे को ये बता दो कितना ज्यादा है 100 से, आप कहोगे 6, ये कितना ज्यादा है 100 से, आप कहोगे 3, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18 18, और बस इसमें चाहे आप ऐसे जोड़ लो, 106 और 3 109, चाहे आप ऐसे जोड़ लो या फिर ऐसे जोड़ लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वहीं 109 आएगा। बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई भी नंबर जोड़ सकते हो, कोई भी नंबर उड़ा लो। मैंने कहा 104 106 मान लो, 104 106 मान लो, बताओ कितने आएंगे। आप कहोगे सर ये 4 ज़्यादा है और ये 6 ज़्यादा है, तो सर 24, और सर ऐसा कैसा, 4 इसमें 6 में जोड़ देंगे तो 110 110 24। आ गई बात समझ में? यस और नो? बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? अच्छा, अब तीन डिजिट वाला तो वहीं तो बता रहा था। अच्छा, ये वाला नहीं समझना, चलो ठीक है, ध्यान देना इधर, तीन डिजिट वाले पे गौर कीजिएगा, एकदम ईजी है, कुछ भी नहीं है, तीन डिजिट वाले में भी गौर कीजिएगा। सबसे पहले ये कैसे बच्चे, ये मैंने बोला जस्ट नियर बाई वाला, बस जो 100 के नियर बाई है, बस उनके ऊपर ध्यान दो। देख ला, ध्यान देना एक बार, मैंने आप लोगों को क्या कहा, मैंने आप लोगों को एक नंबर दिया, कोई भी नंबर मान लो 432, और उसको मैंने नंबर मान लिया 371, यस तीन डिजिट वाला। लेकिन यहाँ पे गौर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहली चीज कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, कितने आ गए, 2 × 2, ऐसा कैसा लिख दूँ, क्या लिख दूँ 2 × 2। अब तुम लोगों को करना क्या है, पहले इसको इससे करना है। क्या ये लाइन समझ में आ गई, पहला वाला समझ में आ गया, यस और नो कमेंट कर दीजिए। इसको इससे करना है और फिर इसको इससे, तीनों को मतलब जोड़ना है आपको, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, और लास्ट में इन तीनों को करना है। अभी इसको मैं पहले फॉर्मूले से बताता हूँ, पहले ध्यान समझना, क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा एक बार वापस से, देखो छोटा नंबर लेता हूँ, छोटे से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या जोड़ने में और उसमें दिक्कत करोगे तुम लोग। मैं तुम लोगों के लिए लेता हूँ एक छोटा नंबर, थ्री डिजिट का देखना, 2442, क्या कह रहे हो, 6, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले आप याद रखो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यस और नो कमेंट फास्ट, यस। तो अब इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा इसका, 5 × 2 = 10, 10 का हम क्या यूज में लेंगे, 0, और 1 कहाँ जाएगा, कैरी, इसको साइड में लिखना है। स्टेप 1 सबको समझ में आ गई, स्टेप 1 समझ में आ गई, चाहे आप इसको कैरी लिख सकते हो, क्या बात समझ में आ गई, यस और नो क्लियर है। अब ध्यान देना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, किन दोनों को सर, इनको और इनको, 6 को 2 से मल्टीप्लाई, कितने हो गए 12, यस 6 को, एक मिनट रुकना,
ओके वेट करना एक बार, ये काम नहीं कर रहा, एक बार रुक जाओ, क्या हो गया इसके। देखो आप, देखो काम कर रहे हैं क्या, काम नहीं कर रहा है, रुकना एक बार रुकना, पर इसको मेरे को लग रहा है सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, पेन टेप काम नहीं कर रहा, रुको मैं इससे लिख के देखता हूँ, इससे भी काम नहीं कर रहा, बच्चे ये पेन टेप काम नहीं कर रहा, एक बार रुकना, एक बार सभी बच्चे कमेंट करो क्या मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है, क्या मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है, कमेंट करना एक बार, क्या मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है, यस और नो, यस, ओके ओके ओके, रुक जाओ बच्चे एक बार, ये थोड़ा मेरे को लगता है इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, रुकिए एक बार, पेन टेप काम नहीं कर रहा है, किया काम अब, किया 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 काम किया, ये फिर से रुक गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वेट करो एक बार, वेट करो, मेरे को लगता है इसको वापस से रिकनेक्ट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, एक बार रुकना, इसको वापस से रिकनेक्ट करना पड़ेगा, मुझे लगता है बच्चे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया इसमें, मेरे को लगता है पूरे सिस्टम को रिस्टार्ट करने पड़ेगा और उसमें लग जाएगा थोड़ा टाइम, तो उससे बेटर यही है कि हम कल करेंगे क्लास को, कल से अपनी क्लास बता दिया मैंने आप सभी को, कल से शाम 6 बजे अपना चैप्टर पहला, कौन सा परसेंटेज का, कल ये वाली जो ट्रिक लास्ट की बच गई 3 डिजिट वाली, इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्या बात समझ में आ गई, कल ये वाली ट्रिक जो बच गई वो एक, ये मान के चलिए ये तो 10-20 सेकंड की है, 10-20 सेकंड में कल ये मैं आपको बता दूंगा, ओके, कल से आपके चैप्टर मैंने बता दिए, सबसे पहला चैप्टर है परसेंटेज, क्लियर है सभी को, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, सचिन जी, मेघा जी, छवि जी, ओके, कल से अपना चैप्टर जो स्टार्ट होगा, पहला चैप्टर अपना परसेंटेज, याद रखिएगा परसेंटेज चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, ओके, चलिए तो आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करेंगे, एंड एक्सट्रीमली सॉरी बच्चे, ये थोड़ा सा टेक
ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया इसमें। अब देखो ये भी मशीनें होती हैं, कभी वर्क कर जाती है, कहीं की बार हो जाता है प्रॉब्लम, तो आप सभी से माफ़ी चाहेंगे। ओके, थोड़ा सा इश्यू हो गया, कल मिलते हैं शाम को 6 बजे रेगुलर। ओके, कल शाम को 6 बजे से अपनी सीरीज स्टार्ट है। कैलकुलेशन बच्चे अब चैप्टर में होगा, चिंता मत कीजिए, चैप्टर में आएगा, कैलकुलेशन, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ओके, चलिए तो सेशन कल याद रखिए, कल से अपना चैप्टर स्टार्ट है और पहले से शेड्यूल है, तो सभी बच्चे उसको लाइक, क्या नाम है, रिमाइंडर पे सेट कर लीजिए। ओके, चलिए तो।